समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिंबा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिन्मा की तरह यहां तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया, शैली, दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिन्मा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि ये पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिंह के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर ट्वेंटी एक में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल है। उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहां तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में आ गया है सिंबा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिन्मा की तरह यहां तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिंह के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर ट्वेंटी एक में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिंह के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर ट्वेंटी एक में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहां तक कि ये पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर ट्वेंटी एक में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताज महल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहां तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स सिक्स इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिन्मा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिन्मा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहां तक कि ये पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आर का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहां तक कि ये पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे सिक्स हंड्रेड किलो आर लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिम्बा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर ट्वेंटी एट में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए किया जा रहा है समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि ये पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में में गया है सिनेमा के के अंत सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में में गया है सिनेमा के के अंत सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में में तूफाना गया है के के अंत सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में गया है। सिंबा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 हंड्रेड किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में में गया है सिनेमा के के अंत सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में गया है। सिंबा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं, जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आज समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 हंड्रेड किलो समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिनेमा के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सहमति फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है सिम्बा के अंत में सूर्यवंशी के चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो समीक्षा करें। रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा रणवीर सिंह अभिनीत के बाद अब बहुत धूमधाम ड्रामा और धमाकेदार थिएट्रिक्स के बीच सूर्यवंशी अक्षय कुमार में तूफाना गया है के के अंत में सूर्यवंशी चरित्र की सूक्ष्मता से घोषणा की गई थी फिल्म में रोहित शेट्टी की पेशकश से अपेक्षित सभी तत्व रवैया शैली दिखावटीपन और भारी भरकम स्टार पावर है सिनेमा की तरह यहाँ तक कि यह पुलिस मुंबई में 1993 के सीरियल धमाकों से लेकर 2008 में मुंबई के कई ऐतिहासिक स्थानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से मुंबई में हुए हैं जिसमें ताजमहल पैलेस भी शामिल है मुंबई और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सैमटी फिल्म की कहानी तब सामने आती है जब शहर में अब तक का सबसे बड़ा हमला होना बाकी है क्योंकि लश्कर के कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं और यह पाया गया है कि 93 सीरियल हमलों से बचे 600 किलो आ समीक्षा करें रोहित शेट्टी ने पिछले कुछ वर्षों में चतुराई से अपने पुलिस जगत का विस्तार किया है दर्शकों को जोड़े रखने और शैली के कट्टर प्रशंसकों को किनारे पर रखते हुए सिंगम सीरीज अजय देवगन द्वारा अभिनीत और फिर सिम्बा